है और आज के वीडियो में बात करने वाले बिहार शिक्षक अधिनियम 2020 की, जो कि नई नियमावली है और आने वाले आगामी वर्षों में जो है जो भी बिहार में शिक्षक बहाली आएगी वो जो है इसी नियमावली के अनुसार होगी। और ये जो नियमावली है, ये जो बिहार स्टेट 2019 का जो अभी रिजल्ट आया था उसके ऊपर भी लागू होगी। और इसके पहले भी हम जो है मेधांक को लेकर के बिहार स्टेट 2019 में एक वीडियो बनाए थे मेधांक को लेकर के, जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स में आपत्ति कर रहे थे कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, तो उनका भी जो है कन्फ्यूजन आज जो है दूर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कह देना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको प्रेस करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, और उसके बाद आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। जानते हैं कि जो बिहार शिक्षक अधिनियम 2020 जो नई नियमावली बनी है उसमें जो है मेधा अंकों का जो है कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो है पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक की। जी हाँ, पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक की। तो इसमें जो नियम बनाया गया है वो ये है कि यानी कि पंचायत और प्रखंड शिक्षक में हाई स्कूल, इंटर और आपका जो प्रशिक्षण बीएड है या बीटीसी है या डीएलएड है, ठीक है, तीनों के प्रतिशत प्राप्त अंकों को जो है जोड़ करके 3 से भाग कर देने पे जो प्राप्त अंक ही मेधांक कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो है 10 अंक का जो है वेटेज दिया गया है और वो वेटेज है जो भूतपूर्व जो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी जो विधवा महिलाएं हैं उनको जो है इसमें 10 अंक का वेटेज और जोड़ दिया जाएगा, और ये जो है लगभग सभी जो है समर्थों पे लागू होगा। ठीक है, तो ये तो आपका जो हो गया पंचायत और प्रखंड शिक्षक का मेधा अंक कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आइए देखते हैं कि स्नातक स्तर पे जो विषय होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका हाई स्कूल और 10+2 का है उसमें जो है मेधा अंकों का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। अब हम जो है जानेंगे स्नातक स्तर पे जो शिक्षक का जो भर्ती होगा उसके लिए जो कैलकुलेशन वो कैसे किया जाएगा, खास तौर से जो है पंचायत या प्राथमिक मतलब कि स्नातक स्तर के जो शिक्षक की जो बहाली होगी उसमें जो है मेरिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा स्पष्ट जो है बताया गया है कि स्नातक अंक जो प्रतिशत आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, टोटल विषयों का जो प्राप्तांक का जो प्रतिशत है वो, और प्लस आपका जो बीएड है, ठीक है, यानी कि जो प्रशिक्षण आपने जो प्राप्त किया है उसका जो प्रतिशत अंक है दोनों को जोड़ करके आपको जो है क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा, और 2 से भाग देने के बाद जो है जो अंक प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मेधा अंक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेम वही है, 10 अंक का वेटेज जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो विधवा महिलाएं हैं उनको जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका जो प्राथमिक शिक्षक जो है, ठीक है, जो प्रखंड और पंचायत शिक्षक है उसका कैसे कैलकुलेशन मेरिट अंकों का किया जाएगा, और जो स्नातक स्तर पर जो शिक्षक की बहाली होनी है उसका जो है कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। और ये जो है प्रक्रिया जो है बिहार स्टेट 2019 में भी ये लागू की गई है, क्योंकि ये जो बिहार स्टेट 2019 की जो बहाली हो रही है वो जो है नए नियमों के अनुसार हो रही है। इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जिनके आधार पर आप जो है मेरिट अंकों को कैलकुलेशन सही से कर पाएंगे। तो वो बिंदु क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला बिंदु है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा, और समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका जो है मेधा सूची में जो है नाम सबसे ऊपर स्थान पर निर्धारित किया जाएगा। और इसके बाद बताया गया है कि इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थीगण का स्थान जो है मेधा सूची में जो है सुनिश्चित किया जाएगा। तो यानी कि अगर सारी चीजें समान रहती हैं तो लास्ट में आपकी जो है लॉटरी जो है की जाएगी, और जिसका जो है नाम निकल के आएगा उसको जो है मेधा सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया जाएगा। और जो दूसरा बिंदु है उसको भी जान लीजिए, दूसरे बिंदु में लिखा है कि प्राप्तांकों की गणना अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषयों के अंकों को छोड़कर की जाएगी। ठीक है, प्राप्तांकों की जो गणना होगी स्नातक स्तर पर जो होता है उसमें क्या करना है कि जो अतिरिक्त या ऐच्छिक विषय जो होते हैं उनके अंकों को जो है छोड़ करके गणना की जाएगी, किंतु जहां पर ऐच्छिक विषय अनिवार्य विषय के रूप में हो वहां गणना की जाएगी। यानी कि अगर आपने जो है सब्सिडी या सहायक विषय से अगर आपने जो है आवेदन दिया है, ठीक है, या आपने टीटी एग्जाम दिया है या उस सहायक विषय से जो है पद के लिए आवेदन किया है तो वहां पर उस सहायक विषय के अंकों को भी जो है यानी उसके प्रतिशत प्राप्तांक को भी जो है वहां पर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि स्नातक योग्यता के लिए पठित सभी विषयों अतिरिक्त एवं ऐच्छिक को छोड़कर के प्राप्तांक को जोड़कर जो है असली जोड़ माना जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब स्पष्ट है कि जो आपके ऐच्छिक विषय हैं या सहायक विषय हैं अगर आपने उन विषयों से आवेदन नहीं किया है या बिहार टेट में नहीं बैठे हैं तो उनको छोड़ करके आपके प्राप्तांक प्रतिशत का कैलकुलेशन किया जाएगा, और अगर आपने जो है ऐच्छिक विषय या सहायक विषय से टेट की परीक्षा जो है दी है और उसी विषय से आवेदन किया है तो वहां पर उनको जो है उनके प्राप्तांक प्रतिशत को जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके लिए कह रहे हैं कि स्नातक के साथ प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के लिए
सहायक विषयों एवं प्रतिष्ठा एवं समकक्ष योग्यता के विषयों के प्राप्तांकों को जोड़कर कुल प्राप्तांक निकाला जाएगा। तो ये जो है पूरा इनका जो है क्लेरिफिकेशन था इसको लेकर के, और इसको जो है हम आपको जो है स्क्रीन पे भी दिखा देंगे ताकि आप खुद भी पढ़ लें और समझ लें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।